अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन यानी सिंघम का तीसरा पार्ट 15 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि इस बार सिंघम अकेला नहीं आने वाला है, उसके साथ रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का सिम्बा यानी रणवीर सिंह भी नजर आने वाले हैं। वहीं इन दोनों की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए इस बार रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर को विलन बनाया है। हाल ही में इस फिल्म से अर्जुन कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया, जिसमें वो बेहद ही खूंखार अवतार में दिखाई दिए। अर्जुन कपूर के लिए इस फिल्म का हिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने अब तक के करियर में बहुत ही कम ऐसी फिल्में दी हैं जो सफल रही हों। अर्जुन कपूर ने साल 2012 में फिल्म शहजादे से बॉलीवुड में कदम रखा, उनकी फिल्म हिट हुई। उसके बाद 2024 तक यानी 12 सालों में उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म हिट दी है, वो फिल्म है टू स्टेट्स, जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। दो हिट के अलावा अर्जुन ने दो सेमी हिट दिए हैं, जो है 2014 में रिलीज हुई गुंडे और 2016 में आई की एंड का। इसके अलावा उनकी कुछ फिल्में एवरेज रही और बाकी बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अर्जुन कपूर ने अपने 12 सालों के करियर में जहां सिर्फ दो हिट और दो सेमी हिट फिल्में दी हैं, तो वहीं उनकी फ्लॉप की लिस्ट भी काफी लंबी है। वो 8 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं। अर्जुन कपूर ने जितने हिट और जितने फ्लॉप दिए हैं, उस हिसाब से देखें तो अपने अब तक के करियर में वो हीरो बनकर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सिंघम 3 में विलन के रूप में वो क्या कुछ अलग कर पाते हैं, वो ऑडियंस के ऊपर अपना खुमार छोड़ पाते हैं या नहीं। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।